चाही जे लागे ले ब्यूटीफुल हमरा उहे लईकी चाही जे लागे ले ब्यूटीफुल जानी करी है मनाही माई रे अरे कैसन लईकी चाही रे जेकर गोर गोर गाल अरे सब नियन बाल आ करे ना सवाल हमरा उहे लईकी चाही माई रे अच्छा ना त लेके भागे जाई माई रे चल माई रे खत्म हो गया तेरे प्यार का जुनून खत्म हो गया तेरे बदन का खून अरे तेरे बिहार में घुसकर ढूंढ कर तेरे बिहार में ही मारता मैं और अपनी बहन को वापस इस गुजरात में ले आता ना खून खत्म भइल बा ना प्यार के जुनून भागत ना रहनी तोहनी के भगा के लेके आवत रहनी चाहती त मंडप में तोहनी के मार के तोहनी के छाती पे प्यार के जीत के झंडा गाड़ के आईती लेकिन हमर कंपनी के रूल बा जवन भी मजदूर के कोनो समस्या होला तब मजदूर यूनियन के लीडर राजू हर समस्या के समाधान करेला कौन राजू कहाँ है राजू तलवार लेके आई थे हल चक्कू छुरी काहे लेके आईले है चक्कू छुरी से तो हम लोग दाढ़ी मूछ बना भी ला रे अच्छा तू इसे बचाएगा बाप दादा के कहा तो सुनाई रुकबे कि देखे मिलेगा छोट पर चखम दबे मोट तू इसे बचाएगा जान रेली हमरा गांव में एगो रिवाज हो जब बड़का रहता है ना जी तो छोटका नए न मारता है अच्छा तो तू सब मिलकर मुझे मारेगा फिल्म में कॉमेडियन ना हीरो थूरा है हीरो ऊपर देख Yeah.
मैं झुक नहीं सकता, शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो दुश्मन की रूह तक, मैं वही भोजपुरिया आग हूँ। ये मेरी बहन को मंडप से भगा के लाया है। मामला मेरा और इसका है, तू बीच से हट जा। मैं इसको दुनिया से मिटाकर अपनी बहन को साथ लेके जाऊंगा। मार इस बिहारी को। एक मिनट रुका लोग। भाई हो, यूनियन लीडर बानी, ऐसे हीरोगिरी दिखाओ तरानी। अरे हमरा के तो मारा मारी के नाम से बहुत डर लागेला। मारा मारी के नाम सुनते ही अंदर से कपकपी होके लागेला। भाई ई सबसे अमर कोनो लेना देना नहीं के, अंदर चल के तनी बातचीत से समझौता कर जाओ ना। आई आई ना सरकार, आई 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 सरकार आई। खुला में सोच और खुला में लड़ाई, माहौल के गंदा कर देवेला। बाहर ठंडी ज्यादा रहे, यही से गर्मी बढ़ावे खातिर भीतर ले आई नहीं। बाहर तो चूहे जैसा फुदक रहा था, अब शेर बन गया। एमे बने के कौन जरूरत बा, शेर तो हम पैदाइशी बने। अगर यकीन ना होके तो अपना लोग के भेज के देख ले, पंजा के निशान से पता चल जाए। अच्छा
पार्टनर, अगर आज तू ना रहता तना जाने हमने दोनों के साथ का होखी। अरे यार, जब तक तोरा दोस्त के साथ चली तब तक दुश्मन तक यमराज भी तोहनी के अलग नहीं कर सका। अभी हम खड़े हैं विधायक नरेश पटेल के घर के पास। कुछ देर पहले यहाँ बहुत चहल पहल थी, लेकिन एक बिहारी मजदूर आकर यहाँ का माहौल बदल कर रख दिया। आइए हम सच्चाई जानते हैं विधायक नरेश पटेल की जुबान से। विधायक जी, आपकी बेटी को एक मजदूर भगा कर लेकर चला गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तो साफ है ने, गरीब लोगों का अमीर बनना। आजकल ये गरीब लोग हैं ने, बहुत खतरनाक नाटक चल रहा है। अमीरों की बेटी को फंसाना, इमोशनल करना, प्यार करना और फिर भगा ले जाना, जिससे उससे शादी कर सके। तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा बेटा है ने, वो मेरी बेटी को ढूंढने गया है और साथ में उस मजदूर को भी। पापा, क्या हुआ बेटा तेरे को? किसने किया ये सब? कैसे हुआ ये तो बता। बेटा, किसने किया ये तेरा हाल? मैंने तेरे बदन से कभी पसीना नहीं निकलने दिया, ये खून किसने निकाला? राजू, मजदूर यूनियन का लीडर राजू, और उसी ने उसको भी बचाया जिसने निशा को भगाया। मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, चाहे कानूनी धारा से चाहे धरना से। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर यूनियन हाय हाय, मजदूर यूनियन हाय हाय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी फैक्ट्री से बाहर नहीं आया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भीड़ अपनी मांग पर अड़ी हुई है। आप ही इस मजदूर यूनियन के लीडर हैं और ये सारे स्टूडेंट और महिला संगठन यहाँ पर धरना दे रहे हैं आप लोगों को भगाने के लिए, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं इस कंपनी के मजदूरों का यूनियन लीडर हूँ, वैसे इन लोगों का भी तो कोई यूनियन लीडर होगा। कौन है वो? मुझे उनसे बात करनी है। आपका जो भी सवाल है, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इन सब को भी बोल दीजिए, आइए अंदर आइए। बैठो। सवाल कीजिए। सवाल से पहले शर्त छह मारी और शर्त हार गए तो मारी जूती सर पे रख के सारे मजदूरों को गुजरात छोड़ना होगा। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं शर्त जीत गया तो सबके सामने अपने ही हाथों से मुझे जूता पहनाना होगा। मंजूर छे,
अब सवाल कीजिए। मेरी सहेली को प्यार में फंसा के मंडप से उठा के ले जाना गुनाह है कि नहीं? आप किस भगवान को मानती हो या पूछती हो? कृष्ण जी को। तो फिर आपको यह भी पता होगा कि प्यार को जन्म भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दिया था। कृष्ण जी ही प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। उनके लीलाओं और कथाओं से ही उनके मंदिरों में उनकी आज लोग पूजा करते हैं। और जब मेरे दोस्त ने प्यार किया तो वो गुनाह कैसे हुआ? तुम सब ने गरीब मिट्टी के टुकड़े हो और हम सब पहाड़। दोनों कोने ऊंचाई नाप के कदम बढ़ाना चाहिए। नाम का पहाड़ होता है लेकिन काम की मिट्टी ही होती है। मिट्टी से ही अनाज उपजता है जो दुनिया को जीवित रखता है। पहाड़ कभी भी मिट्टी की बराबरी नहीं कर सकती। और हाँ, आप भी मिट्टी से जुड़े ही रहिए। मिट्टी में रहने वाले लोग मिट्टी की तो बातें करोगे? नफरत है मुझे उन गरीबों से जो धूल मिट्टी में अपना जीवन गुजारते हैं। कहते हो कि मिट्टी को अपना लो, मैं तो गरीबों को अपने जूती के नीचे भी ना रखूं। नफरत करती हूँ मैं गरीबों से, नफरत। तो तोड़वा दीजिए अपने घर के दीवारों को, क्योंकि उस घर के दीवारों के एक ईंट को किसी गरीब ने जोड़ा है। अरे छोड़ दीजिए खाना खाना, क्योंकि वो अन्न और सब्जी किसी गरीब किसान ने ही उगाया है। अरे छोड़ दीजिए अखबार पढ़ना, क्योंकि वो अखबार आपके घर तक एक गरीब ही पहुंचाता है। अरे निकाल फेंकिए अपने बदन के कपड़ों को, क्योंकि वो कपड़े किसी गरीब ने ही बनाया है। मैं शर्त जीत गया, अब अपना वादा पूरा करिए। हमारे रिवाज और संस्कार में नारी को देवी माना जाता है। हम लोग तो अपनी बीवियों से भी जूता नहीं पहनवाते, तो भला आपके हाथों से मैं जूता कैसे पहन सकता हूँ? चलो चल रहे, अपन अपन काम पूरा करो। चलो मीटिंग समाप्त। चला लुलिया मांगे ली लुलिया काम। पांडे जी सही है कहल गेल बा, सारा खूबसूरती के खजाना बस गुजराते में बा। ऐसन चौचक डिजाइन देख के तो कौनो भी ब्रह्मचारी अत्याचारी बन जाए। बाकी माफ करी हा बीड़ी महाराज, दुख के घड़ी से लेके आज तक ले तू हमार साथ ना छोड़ला। बाकी हम उ लड़की खातिर तुहार साथ छोड़े जाता नहीं। देखा तहरा में लाख अच्छाई बा, बाकी एगो बुराई भी बा। यार तुम महकेला बहुत। हाँ माफ करिया भाई। पांडे जी रस्तवे पे ब्यूटी पार्लर चलाओ तारू का। पांडे जी
तू कौन छे? छे? ना ना, सिंगल पीस। पांडे जी का बेटा हूँ। शो बात करे छे? सुसु, ना 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 ना, वो तो हमने के घर के पिछवारे कर ली जाए। अरे इडियट, तुम क्या करते हो? अच्छा, लेता हूँ। तो मैं भी देती हूँ। कहा बात करता रू? तदा ना। लो? ए मैडम, भोजपुरिया मरद के हाथ हो, एक बार तेवर में जकड़ लेला ना तो हथकड़ी नियन पकड़ लेला। यू इडियट। इडियट तो देखा हमारी इडियट पंती। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। हाँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता हूँ। हाँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता हूँ। फिगर दिखला कर क्या तू जिगरे को ललचाएगी। तुम जैसे परवाने को ये परी हाथ ना आएगी। हॉट फिगर दिखला कर क्या तू जिगरे को ललचाएगी। ऑफर मैं तुझको देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। हाँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। चला हलो।
जगह बैठ के चाहिए तो तू अरे उन्हें देख के हग ना, साफ सुथरा जगह ना देखते है। अच्छा। बहुत गंदा फैले ले है, उन्हें देख के हग। अच्छा। उड़ते कहाँ जाते हवा में हो। का हो गोबर हले यार। गोबर आदमी के गोबर हो। रे रे, तोरा का लगले हलो कि खेत में 2000 के नोट है फराल। हगे ले आल तो हग ना चुपचाप, ई 2000 लगी लसराई लसराई आगले। देखी मजाक ठीक ना कहले। हट हट ले 2000 2000। का रे रात कैसन रहल? अरे हलकट। राते दिया बुता के तूने क्या क्या किया, बोल न रे, सुहाग रात कैसे मनैले? वैसा ही जैसे तोहर बाप तोरा माई के साथ मनैले होई। कम धन अधिक फुटानी बिकाए के लक्षण, अकम बल अधिक गुस्सा पिटाए के लक्षण। थप्पड़ तब ब्याज के साथ सधा लेने, बाकी दोबारा ऐसा गुंडागर्दी कह लेना तो सूत के साथ असूल ले। चल पार्टनर। खून के बदला खून के धार बहा के ले। कौन आ गई? वॉचमैन! ए मैडम, ज्यादा गला फाड़ के चिल्लैला से ना हमार पैर हवाई जहाज ना बन जाए। बोला का बात बा? राजू से मिलना है। ई कंपनी के एगो रूल बा कि एक बार अगर गेट बंद हो गई तो दोबारा छुट्टी भइला के बाद ही खुलेला। चल जा वापिस। पांडे जी। लागत तोहार खानदान हैवानियत के पाठ पढ़ेले बा। कौनो यूपी बिहार वाला से पाठ पढ़ के आवा। लोहा के लात ना विश्वकर्मा भगवान समझ के पूजा करबू। मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजू बिना एक काम पूरा कर ले ना दूसरा के काम करेला और ना दूसरा के सुनेला। ठीक है फिर, मेरी भी जिद है, बिना बोले जाऊंगी नहीं। ठीक बा। इंतजार करा। मालिक से बात भइल बा। अच्छा, हमरा बुझाता कि 2-3 दिन में आ जाए। ये तो आरामे हो जाइते। मशीनवा हम चला बोल दे दियो। सुन लो ठीक ठीक है। चले यार, ते ही चले। पहले आप तो जाओ। ए सुना, तू लोग घरे चला, हम आओ तनी। का
अरे तू लोग आगे बढ़ा ना, माओ तनी। अरे चला हाँ, 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 चला चला जल्दी पहुंचा। चला हाँ ठीक बा जाए। अरे मटन खाए कि चिकन रे? हम मछली खाए। अच्छा मछली खाए। हाँ लागत है बारिश में भीगे में बड़ा मजा होता। बोली क्या बात है? जिस मर्द में तेवर नहीं वो मर्द कैसा, और जो दर्द आंखों से आंसू ना निकाल दे वो दर्द कैसा। तुम्हारी मर्दानगी और तेवर से मुझे प्यार हो गया है। आई लव यू। माई हाँ? बाबूजी 15 साल पहले पति पत्नी के रिश्ता के तोड़ के चल गए। बाकी तू आज भी उनके नाम के मंगलसूत्र अपना गले में पहन के मांग में सिंदूर भर के काहे रिश्ता के जोड़ रहल बाड़ी। बेटा जब तक केहू के आस जिंदा रहेला तब तक ओकर मांग के देवता ओकरा साथ रहेला। तू ही सब छोड़ा, बाकी हमरा ये बात के अफसोस बा कि जौना हाथ में हमके कलम किताब थमावे के रहल, लेकिन वो हाथ में हम लोहा थमा देनी। माई मेहनत तक कलम और लोहा उठावे वाला दोनों के करे के पड़ेला। बस आपन आशीर्वाद दे माई कि हम लोहा उठा के ऊ काम कर दें जवन कलम उठावे वाला लोग भी ना कर पाए। जाता नहीं माई, टाइम पे खाना खा लिया। अरे भाई रुको। क्या बोल चाचा? देखिए गाड़ी मेरी खराब हो गई है, एक मैडम को लेके पावागढ़ तक जाना है। अगर आप उस तरफ तक जा रहे हैं तो उनको भी अपने साथ लेते जाइए। अरे एमे का बा, एगो मजदूर ही मजदूर के काम आवेला। हाँ। कौनो बात ना, बोल दी हम पहुंचा दे। ही। जी पेट्रोल तो बानो। हाँ मैं। तू बिगड़ल बाड़ू ये गाड़ी जवाब के जगह ने ये पैसा पकड़ो और अब तुम ही मुझे ले जाओगे। सुन राजू के खरीदे खातिर तोर सात खानदान के दौलत भी कम पड़ जाई। राजू दौलत और तेवर से ना प्यार से खरीदा ला। चाचा के बोल देले बानी यही से लेके जाता नहीं। बैठा छोड़ दे। अब इकरा का हो गया।
जैसे गंगा के पानिया पाड़ू को भीतर को तो धानिया जैसे गंगा के पानिया आज जुटियो तब का सुहाग वाली रात में खियबू आगे आगे टूटता बदहनियाबाड़ू पापी तर को तो धानिया जैसे गंगा के पानिया बाड़ू पापी तर को तो धानिया जैसे गंगा के पानिया चढ़ जाई बाजरे जल्दी बनाना हमके कहानिया बाड़ू पापी तर को तो धानिया जैसे गंगा के पानिया बाड़ू पापी तर को तो धानिया जैसे गंगा के पानिया दिन अरे ई ना अरे वो मोच खातिर स्प्रे चाहिए गौवा में सही है कहल गेल बा हर दा बैल दा और खोदे खातिर पहनो दा ये लीजिए 160 उठावा लगावे के बाद क्या अरे पैरवा उठावा स्प्रे लगावे के बाद आपका दिन भर लगवाई बू हो गए आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद भूख ना लगे भूख ना लगे ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो खाने के बाद भूख ना लगे साहब मुझे कोई भीख भी नहीं देता है दो दिन से मैंने खाना नहीं खाया है लू
लोगों के चूल्हे की आग तो बुझ जाती है, मगर पापी पेट की आग कभी नहीं बुझती साहब, कभी नहीं बुझती। साहब आपके पास दवा नहीं है तो मुझे शहर दे दीजिए साहब, मुझे शहर दे दीजिए। चाचा चलिए कुछ खा ले। आई भगवान आई भगवान। अरे ना चल भगवान भगवान करते हुए बैठे। हाँ बैठे ना। भैया एको थाली देता। एक थाली बाहर। हाँ ये सब रो रहे खातिर बा खाई। अरे ये क्या करता नहीं चाचा, जौना गरीब के केहू ना होला ना ओकर ऊपर वाला होला। रवा खाई। भैया एक आदमी का एक महीने के लिए रोज का नाश्ता खाना का कितना होगा? 2000 रुपए। ठीक बा। काले पगार मिलल बा, हर महीना 2000 रुपया घर खर्च में से निकल जाए तो खर्चा पानी कैसे चले। चल जौन है तो देखल जाए। लीजिए अगले महीने का एडवांस मैं इसी तारीख को आके दे दूंगा। ठीक है। चाचा हम पैसा भर देले बानी, रोज आके नाश्ता खाना खा के जाए। हाँ और कौनो बात के चिंता मत करिए, भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता नहीं बहुत अच्छे इंसान हो और आपकी अच्छाई से हमको प्यार हो गया और आप हमें मना नहीं करना वरना मैं मर जाऊंगी। ये दोनों कौन है? कृष्ण जी और राधा जी। हाँ और प्रेम की असली परिभाषा इन्हीं दोनों से है और इनके अनंत प्रेम के कारण ही इन्हें दुनिया सच्चे प्रेम का प्रतीक मानती है। दुनिया का हर लड़का चाहता है कि उसे राधा जैसी प्रेमिका मिले जिससे उनका प्रेम अमर हो जाए। हमारा प्यार अमर हो या ना हो लेकिन ये वादा जरूर करती हूँ कि इनकी राधा की चाहत से ज्यादा मैं चाहूंगी। तो फिर मेरा भी ये वादा है कि कृष्ण जी जैसे अपने दिल में कभी किसी और को जगह नहीं दूंगा।
रहिया चले लू तगम के रहिया चले लू तगम के जान कही ले कसम से आगो बात ये गो तुहरा से जाने ब्यूटी पार्लर चलावे लू करानी लगे चेहरा चमके न रहानी ब्यूटी पार्लर चलावे लू करानी लगे चेहरा चमके न रहानी होठवा के आगे तहरा लगे लफीका ललका गुलाब के फूल हो लहरे लक सिया जैसे कारी रे बदरिया देह पे लहावा कुल कुल हो होठवा के आगे तहरा लगे लफीका ललका गुलाब के फूल हो लहरे लकसिया जैसे गरीबे बदरिया देबे लहावा कुल कुल हो पागल लथी जा करेला नदानी ब्यूटी पार्लर चलावे लुकरानी लागे चेहरा चमके नूरानी ब्यूटी पार्लर चलावे लुकरानी लगे चेहरा चमके नूरानी हर बदहनी रानी मोहेला दिल के बस में नहीं के महान हो जिंदगी में आके हमरा धन धन कदा होइत बड़ा एहसान हो हर बदहनी रानी मोहेला दिल के बस में नहीं के इमान हो जिंदगी में आके हमरा धन धन का दो होइत बड़ा एहसान हो जान जिया ते मुआवे जवानी ब्यूटी पार्लर चलावे लुकरानी लगे चेहरा चमके नूरानी ब्यूटी पार्लर चलावे लुकरानी लागे चेहरा चमके नूरानी केने गेलो हो कहां गई मालूम रहते हल तब न बते तू कल ए चाची रजुआ आ गेलै ए चाची हाय देखी अभी ले कहाँ रहले हम तो कुछ भाई लगा जान रे भैया आवे में जर्री कुनिया लेट होता ना तब मैया जा है ना समझे रो रो के गंगा जमुना बहा देती क्या बात कर अरे लाल के बियाह वाला मामला अभी तक नरम नहीं के भाईल वो लोग गरम होके खोजे तो ये सन ऐसे इतना देर रात बाहर रहल ठीक नहीं के अरे मई तू का चिंता करता रही अरे हमरा कुछ हो सकेला का भला और तू ये तू बात बात पे गंगा जमुना बहावल बंद कर बुझ ले सुना लो वो मालिक आज बोलले बड़न कि काल कंपनी में जल्दी आवे के बाद चला खाना ना खा के जल्दी सूत जल जाओ ठीक कहता रहो हमरा पेट में भूखे चूहा हुदुर हुदुर कूदता आ खइला बिना दुबरा जाता हमार मेहरारू हमरा के छोड़ दी अच्छा सुन वैसे बोनल का बा आज भैया कहाँ देरी हो गया जी
अरे उ दिना नारा वाली जोन मैडम ना रहे त आज हम जात रहनी है मोटरसाइकिल से आऊ मैडम वा रस्तवा में लिफ्ट मंगले रहे अच्छा अच्छा और ओकरा बाद त जवन कहानी शुरू भइल कि हम का बताई चाची 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 घी आ गेल बस 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 बाबा देसी घी के बातें कुछ और हो हां चल शुरू कर हमरा जन्म होली हल ना त गंगा नदी में बाढ़ आ गेली हल गंगा नदी के पानी हमरा घर के पास सीधे पहुंच गेली हल तो उहे गंगा जी के पनिया गंडक में प्लॉट गो अच्छा आ पूरा हमरा गांव के लबा लोभ क दहलस ओम जानो भैया हमरा गया में फाल्गुन नदी है गो समझे ना ओकरा में जब पनिया बढ़ जाता है ना भैया तो दो तीन तो मोहल्ला में पनिया समा जाता है ना तो बढ़वा में सब तो होबे कर रहे ई ससुर लोग तक कुल घी खा जाई फार्मूला लगावे के पड़ी अरे जानेला अरे उ 2001 में जौन भूकंप होने रहे हमें पता बा का भेल रहे का अरे उ बेरी ना इतना जोर से भूकंपवा आइल कि पता बा सब हेने के सामान एने एने के सामान हेने और होने के सामान ओने हो गेल रहे ठीक ना और कुछ सामान एनियो आ गेल रहे अबे तू चुप रह यार गंगा नदी में बाढ़ आ गेल तो हम का करी हम खाई अरे पागल हम तो तोरा के सब कुछ समझत रहनी है बाकी तू तो हमरा के मुहैये देता ए चला सुता चलो जा ए माई गोड़वा दबा दे अरे ना ना तू मुहैये के मार देते हल अभी आही दादा ई छौड़ी तो हमरा के बर्बादे कर दी एगो बात बोलियो चाची ई तो अच्छा हलवा के तोहार बेटवा के हाथ खाली गर्दन तक पहुंचलो हल आ कहीं हाथ वात में चकुआ रहती हल तो हे मरे तू पगला के का हो अरे चाची कोनो गन्ना है का जे चाची के जब आ जाई चाची मान लीजिए अगर रात कुछ ऊंच नीचा हो जाता अरे तो समाज में तो थूथू हो जाता अरे काकी काल ही अखबार में पढ़ले रहनी कि एगो लड़का एगो लड़की के पीछे इतना खखुआइल रहे कि नहा धोवा के अपना माये बाप के पीछे पड़ गए एक काकी हमरा तो लागे है ना जो आहा के चिता वो जराइये कर रहा और जा रही चाची हमरा तो ऐसा लग रहा हो ना समझे हैं तोर जो छोड़ा हो ना एक दिन तोरा लगी खतरा के घंटी बन जतो ये एकदम ठीक कहते हैं रजुआ के मुंह पे एक गो नाम रहा ले भैया माई ए माई ए माई ए माई ए माई लेकिन आज प्रीति 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 राजू प्रीति राजू प्रीति 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 के बिया का ऊ हम सब समझ गए नी
अरे ये सब तोनी लोग के करतूत रहे ना। अरे हमने बाद में ठेलियो ले जाएगा माई के देखो अपना। हाँ अरे माई हट रे माई रे ए माई अरे कहाँ गए रे। जे लागे ली ब्यूटीफुल हमरा उहे लईकी चाही जे लागे ली ब्यूटीफुल जानी करी है मनाही माई रे। अरे कैसन लईकी चाही रे जेकर गोर गोर गाल आ रेशम नियन बाल आ करे ना सवाल हमरा उहे लईकी चाही माई रे। अच्छा ना त लेके भागे जाई माई रे चल माई रे। जब उ चले ले माई जींस चढ़ा के दिल धड़कावे मोरा कमर हिला के पगला गेल पड़े का। जब उ चले ले माई जींस चढ़ा के दिल धड़कावे मोरा कमर हिला के ओकरे से हमर बियाह करवा दे माई 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 ओकरे से हमारा बियाह करवा दे एही लगनिया में बैंड बजवा दे। अरे तोरा कैसन लईकी चाही रे जेकर होठ बिया लाल आहिरनी जैसन चाल रूप बाता माल हमरा उहे लईकी चाही माई रे ना त लेके भाग जाई माई रे माई रे। अपने से रोटी पकाइबे मिली आराम जे पतोहिया तू लाइबे छहागर खेलवाड़ा आई हो वही आले अपने से रोटी पकाइबे मिली आराम जे पतोहिया तू लाइबे मोरा दुलहिनिया जे बन के उआई माई 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 हो मोर दुलहिनिया ओ बन के जे आई रतिया में तोहरो त गोड़ा बो दबाई। अच्छा तब तो मजा आ जाई हो कबले रहब कुमार ई कहिले बार बार सुखी राखी परिवार हमरा उहे लईकी चाही माई रे ना तो लेके भाग जाई माई रे माई रे। बाकी उ लईकी के भोजपुरी आवे के चाही। चाची के लईकी भोजपुरी चाह है समाधि रली न भैया भोजपुरी। हाँ हाँ बुझलिए न लड़की के भोजपुरी आवे के चाही एकदम ठेठ भोजपुरी आवे के चाही। लड़की को भोजपुरी आना ही चाहिए। हाँ चल ना लड़की के भोजपुरी आवे के चाही। ए,
सुन एने हां यस पांच बार सुननी ना बस अरे आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए अब मुझे भोजपुरी भी सीखना पड़ेगा ने टेंशन पहाड़ जैसन बा और तू ओकरा के हंस के खेत के ढेला नियन बना देलू तमे पाने के लिए भोजपुरी तो क्या पारसी भी सीख लूंगी ठीक ने अच्छा तब ई बतावा माई से कब मिलेब अरे जिया हमर करे जा कल मंगलवार मंगल दिन पर मंगल कार्य होई पक्का हाँ। गोर लागतानी माई खुश रहा बबुनी माई सुंदर बिया नू हाँ संस्कारी भी बिया बबुनी अपने माई बाबू से बात करला तू दोनों के प्यार के ब्याह में बदले खातिर माई हाँ हम अनाथ बानी जब केहू के आंसू पोछे वाला हाथ आ दर्द बांटे वाला इंसान मिल जाला तब इंसान अनाथ ना रह जाला बहू बना के ना बेटी बना के रखब माई बापू के गुजरला के बाद लोग हमरा के बदनसीब कहत रहे लेकिन रउवा लोग के पाके अब हमार दिल ना रोम रोम कहता कि हम बहुत खुश नसीब बानी तू रुका हम आवत आनी हाँ ई साड़ी आई कंगन हमार सास हमरे ब्याह में हमके देले रहनी और जब राजू ये दुनिया में आयल उहे दिन ई कंगन निकाल के हम अपना होखे वाला पतो खातिर सपना सजा लेनी अब तोहरा पहने के समय आ गईल बा ला ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि वर वधू खड़े हो जाइए वर वधू माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए
माई। केकर माई, हम अपना महतारी बाप के अलावा भगवान के भी पैर न पड़ेनी, तो एक दुश्मन की महतारी के पैर कैसे पड़ सकनी। रख ले अपन अरमान, एक गरीब के मसीहा बन के हमरे कॉलेज के लड़की लड़का के सामने अपन जूता हमरा से उठवा के हमरा के झुका देनी। ओकर बदले इन गरीबन के बीच तोहरा जूता मारे के कोनो और रास्ता ना रहे, बदला लेवे खातिर खुद के बदले के पड़न। नफरत रहे गरीब से और प्यार के नाटक ओहे गरीब के साथ करे के पड़ल। और हाँ, हम कौनो अनाथ ना, गुजरात के नेता श्री दिग्विजय सिंह जडेजा के बेटी बानी, जेकर हैसियत पूरे बिहार के बराबर बा। गुजरात में नया आए हैं ने, ए मटे मारे बारे में तुम्हें खबर न थी, इसलिए मेरी बेटी को मीडिया के सामने झुकाया। जडेजा मतलब गुजरात, आ गुजरात माने जडेजा। तुम्हें खबर न थी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है मेरा नाम सुन के। मारी भतीजी की जिद थी कि बदला अकेले लूंगी, वरना उसी दिन तेरे को खटमल की तरह मसल देता। जो
आज जौन इस सिंदूर के अपन पैर के धूल समझ के जात अड़ू ना, जौना दिन इस सिंदूर के कीमत पता चली ना, उ दिन समुंदर से भी ज्यादा आंसू बहावे के पड़ी। बेटी के लिए राजकुमार जैसा डिकरा दिखाए, रहने के लिए ना मॉल की व्यवस्था की है, कल सगाई है, दावत में आ जाना। चल बेटा। आएंगे तेरी गली में, चाहे देर क्यों ना हो जाए, करेंगे मोहब्बत तुझसे ही, चाहे जेल क्यों ना हो जाए। माई रे, अब तो हमरा उहे लेकी चाहे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी नी उड़े उड़े उड़ी उड़ी जाए, उड़ी नी उड़े उड़े उड़ी उड़ी जाए। सर, उड़ी नी उड़े 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 उड़ी जाए। सर, सर अभी ड्यूटी पे नहीं है, ब्यूटी में लगे हैं, बाद में आना। तो फिर वर्दी उतार कर, साड़ी पहन कर, थाना के जगह वैशा खाना में जाकर बैठ जाइए, जब बुलाइएगा कीमत लेकर पहुंच जाऊंगा। FIR दर्ज करवाना है। मुद्दा बोल। एक लड़की ने दिल तोड़ा है। जितना तेवर तू दिखा रहा है ना, उतना अगर तू कानून जानता ना तो तुझे मालूम होता कि कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है कि दिल टूटने पर FIR दर्ज करवाया जाए, समझा क्या? अच्छा, लड़का लड़की को कुछ बोले या ना बोले, छेड़े या ना छेड़े, लेकिन एक बार उस लड़की के कंप्लेन करने पर उस लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज किया जाता है। और वहीं जब लड़की किसी लड़के को धोखा देकर चली जाती है तो फिर उस लड़की के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते? एक मिनट, सात फेरा लीला के बाद, मांग में सिंदूर भरवेला के बाद, दिल और रिश्ता तोड़ के चल गए। हवलदार, रिपोर्ट लिखो, लड़की का नाम बोल। प्रीति। लड़की के बाप का नाम? दिग्विजय सिंह जडेजा। ए, रुक रुक, क्या कहा? दिग्विजय सिंह जडेजा। दिग्विजय सिंह जडेजा। एक मिनट एक मिनट, अपना चेहरा देखा है शीशे में? अरे जडेजा साहब की बेटी तुझसे शादी तो क्या, अपने पैर की जूती भी नहीं बनाएगी, समझा क्या? बात करता है। तुम्हारी जडेजा साहब की बेटी सुहागरात भी मनाएगी और अपने बच्चे का बाप भी। रिपोर्ट लिखी? नहीं लिखूंगा। अच्छा, अब अगर रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो ये लोग इतना लिखेंगे कि वर्दी तो उतरेगी और लोग मार मार के चमड़ी भी उतार देंगे। रिपोर्ट लिखता हूँ तो जडेजा साहब नाराज होंगे, नहीं लिखता हूँ तो वर्दी जाएगी। रिपोर्ट लिख ही लेता हूँ। ए हवलदार, लिख जल्दी, FIR लिख। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। देखिए भाई, अब तो सगाई के बाद मैं आपको नेताजी नहीं समधी बोलूंगा। रुक! अरे
घराने की लड़कियाँ सदभतरी होती है क्या? एक भतार कल बनाई और दूसरा भतार आज बनाने चली। जंगल का राजा शेर होता है और दिग्विजय सिंह जडेजा यहाँ गुजरात नु शेर छे। शेर से मदारी वाली हरकत करेगा ने तो इतनी हड्डियां तोड़ूंगा डॉक्टर भी जोड़ नहीं पाएगा। और सुन, प्यार से सर झुका के चला जा, नहीं तो तलवारों से इतिहास लिखने की हमारी पुरानी परंपरा है। तेवर हम वक्ताने पर दिखाएंगे। भले इस गुजरात के राजा आप हैं, पर हुकूमत हम मजदूर चलाएंगे। सिक्योरिटी, गोली से ज्यादा ताकत बिहारी की बोली में होती है। हम मजदूर अपनी हाथों से लोहे का आकार बदल देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ए सूचे, मुंडा भाई ये मीडिया को साथ में लेके आया था तो मजबूरी में मुझे FIR दर्ज करना पड़ा। क्या करूं, नौकरी का सवाल था मोटा भाई। क्या खुसुर पुसुर हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मैं बताता हूं, आपकी बेटी के ऊपर केस किया है, ये रहे कोर्ट के पेपर्स। जब तक आप ये केस जीत नहीं जाते तब तक अपनी बेटी की शादी कहीं और नहीं करा सकते। पीछे हट। किसी और की होने से पहले मेरा रग रग निचोड़ के देख लेना, अगर कतरे कतरे में तू ना मिली तो बेशक मुझे छोड़ देना। यार चाय बनाते हैं कि मजाक करते हैं? अरे बना बो दियो। अरे जोर से फूंका ना। हाँ, अरे जोर से फूंका ना एक बार जल लेते ही। हाँ आए जी, भी आया भी आया। अरे मुंह से फूंके ना महाराज। बाप रे बाप, हमरे का फूंका फूके में फंसावा तारो लोग। चाय वाला है क्या? हम ए ना 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 ए चाय वाला के चाय वाला बोला जाए। चाय वाला तो देश के प्रधानमंत्री हो सका है। हाँ तू भी हो सका है। चाय वाला बनावा। हाँ बनाओ फूका फूका बनाओ बनाओ ठीक से फूका बनाओ। ए रजुआ, ए चाची, संभी जेल थी ने। इतना बड़ा हस्ती होके आज ही गरीब के बस्ती में का करेला आइल बानी? तुम्हारे डिगरा है ने उसके प्रेम को खरीदने के लिए। इतने में तेरे खानदान क्या, तेरे पूरे गांव का जिंदगी कट जावेगा।
ले 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 ले। तनी पी के बताया था कैसा लगा था? है भाई बहुत फीकी छे। ससुर जी करोड़न के चेक जब चाय के रंग और स्वाद न बदल पौलस तो हमरा प्यार के का बदली। बिकते अमीर है और वादे निभाते सिर्फ गरीब है। अमीर जब गरीब को जंजीर में जकड़ता है ना, तब उसके वादे इरादे उसके साथ साथ उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। हमें जंजीर में कैद करने का सपना छोड़ दो। हम वो बिहारी आदम खोश शेर हैं जिसका भी शिकार करते हैं उसका जिस्म तो क्या रूह भी दम तोड़ देती है। है भाई ज्यादा भौंकने का नहीं है। शेर कभी भौंकता नहीं दहाड़ता है। ससुराल वाले हो इसीलिए छोड़ रहा हूं। अगर दुश्मन होते तो गर्दन उखाड़ के फेंक देता। आज के बाद हम पानी नहीं पिएंगे। हाँ ठीक है भाई। और जिस दिन प्यास ज्यादा लगी ने तुम्हारा खून पिएंगे। हाँ देख राजू मेरा मानना है कि अब बातचीत करके कोई फायदा नहीं। कोई चाहे कितना भी अमीर हो उसकी पहुंच जितनी भी ऊपर हो लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। डरती तो हमनी के देश दुनिया के कोना कोना में थोड़ी ना रहती। बाकी बात कोर्ट कचहरी के बा। टेंशन मत ला अपने जिला के बहुत बड़ा वकील हुआन क्या थे बात करे तो हर केस उहे लड़ी हन। अच्छा प्रणाम चलो तानी जी। प्रणाम 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 प्रणाम। राजू बेटा तोहर ससुर पैसा के घमंड में अंधा हो गए बाड़े। बाकी बेटा हम प्रीति के आपन पतोह मान चुकल बानी। हमनी के गांव जवार में ब्याह के बाद नवरात्र पुजाला। तू 9 दिन ससुरारी में नवरात्र पुरावे जा और उनका के एहसास दिला के आवा कि तू उनकर जूता के धूल ना उनकर बेटी के मांग के सिंदूर बाड़ा। उसके पास जिगर नहीं जिगरा है। करोड़ों का चेक को जला के ने चाय पिलाया। जो लोग हथियार घर में छोड़ के जंगल शिकार करने जाते हैं ना वो अक्सर हार के ही आते हैं। हथियार तो मंडप में भी था। हाँ? क्या कर लिया हम लोगों ने क्या कर लिया कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर पे पहुंच जाए। पांडे जी अनारकली। अरे अनारकली अरे कहाँ घुसल बाड़ू। बाप रे भूत का नाम लिया भूत आ गया। ससुरारी में क्या हुआ जे अपना दामाद के स्वागत करे। अरे हमारा अनारकली आ गई ली। अरे प्रणाम ससुर जी। रहुआ रहुआ हमर सास होके पाय लागू ससुर जी। हूँ प्रीति ने दादी। अच्छा 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 पाय लागू दादी जी। अरे प्रणाम ससुर जी प्रणाम। अरे का हाल बा। अरे साली साहिबा
अरे कितना सुंदर साली मिलल भी और साली तो वैसे भी आधी घर वाली होली। अरे हमरा के बाहर मत फेंका लोग ना तो मेरा बिना मर जाए। छोड़ा लोग। अरे ससुर जी देखी हमरा के बाहर फेंके से पहले एक बेर जवन चीज लेके आयल बानी ओकर दर्शन कर ली। एक मिनट। हाँ इस सीढ़ी के बढ़िया से नहवा के धोवा के सजा धजा के लेके आयल बानी। एक बेर एकर दर्शन कर लेती ना तो चारों तीरा धाम के दर्शन हो जाए। बस एक बेर। ए दंजू। हाँ। आदरणीय मोदी जी के एगो मजदूर के सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले ही हमार बियाह भइल रहे। बाकी बिना सुहागरात मनेले ही हमार ससुर जी श्री दिग्विजय सिंह जडेजा हमरा मेहरारू के जबरदस्ती अपना घरे ले गए। बाकी अब हम 9 दिन के नवरात्र पुरावे खातिर अपना ससुरारी जातन। अगर ई बीच में हमरा कुछ भइल बलतोड़ से लेके मर्डर तक तो ओकर पूरा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमार ससुराल वाला लोग ही होगी। प्रणाम। है भाई। हाँ। खड़े क्यों हो बैठो। चाय पानी कुछ लाए। ले वही तो आयल बनी। तब ई तो खाली ससुर जी ट्रेलर रहे। एकर पूरा सिनेमा के 500 कॉपी सब मजदूर लोग में बांट के आयल बनी। और ई तो कुछ नहीं खे पुलिस स्टेशनों में देख के आयल बनी। हाँ आ ही रे हमारा नारकली। अनारकली डिस्को चली। ई इतना छोट छोट कपड़ा पहन ले बाड़ू। अपना पापा जी के घर में इतना छोट छोट कपड़ा पहन के रहता रू। सुन अब तार पति आ गेल बा। ई छोट छोट कपड़ा ना चली ना तो लगा लती आवे। भाग जो जाके कपड़ा बदल। रूस गेल का। ए हमार करे जा। अरे सुन ना सुन ना बाबू मोना पाखी आ ना तरह ताकी सुन ना हमार हमार पाली। ए मोटा भाई अब ये तो फंसा दिया। तुहार है गोर गोर चाम कर देला दिमाग के जाम। समझ में नहीं खे आवत कि सुहाग राता है नमा कहां से करी। कहो चाप दिखा है। हा, हा, अरे तो यहां कैसे आई ला। अरे भोजपुरिया मरद है। आज तो हमार सुहाग रात बा। एकरा खातिर तो धरती फाड़ के और आसमान चीर के आ सके नी। ए हमार करे जा आवा ना। अरे तोहार है ब्यूटी देख के सुहागरात वाली ड्यूटी करे खातिर मिजाज बार बार च्यूटी काटा था।
तोड़ कुल्हाड़ी से जबरा न तोड़ ले हाल हम डाढ़ी से कहतानी तब तो तोहरा बात ना बुझाला चुन 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 आई फॉलो आई फॉलो एक तपालंग करे हाला करे दाना घोटाला तहर पालंग करे हाला करे दाना से मिलल चीज कैसे जाए दी हाथ से हटना तो धाके हम दाब दे हब गाला चुन 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 आए पाला एक तपालंग करे हाला करे दाना घोटाला एक तपालंग करे हाला करे दाना अनारकली अरे अनारकली सुनो तारू अरे सुना अरे आ तो जमाई राजा नु आवाज छे जाओ देखो क्या हुआ अमर करे जा मजदूर जहर मांगतो हसे आपी दो मजदूर लोग कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं ना पच जाता है ये जोर भी पचा लेगा चिल्ला नहीं दे अनारकली ओ गॉड ए अनारकली कब से धोयला पानी खातिर चिल्लाता नहीं अरे बाथरूमवा में पानी और आ गेल बा इडियट टिश्यू पेपर यूज कर लेते पेपर हमने के सरस्वती माई होली यही से ना पूछनी हो अगर हमने के खेत रहित ना तो ढेले पे खेला कर लेती बाकी इता बटले बा अरे ना ना चिउटी लाग जाई अरे अरे ससुर जी रवा से अरे हमरा इमरजेंसी बा ई कहे भाग गेलन सर हे भगवान हम आउत नहीं दादी ओ राधे राधे प्रेम बरसा दे अनारकली अरे अनारकली अरे केन्हे बाड़ू हो अमर करे जा अनारकली अरे जानू लागता अनारकली डिस्को चली हम अरे केहू बा जे खाना ना दी भूख से सूखल जाता नहीं पता ना सब कहाँ गए बड़े अरे रा रा रा, ये क्या जमाई बाबू खाने के लिए टेबल कुर्सी रखी है और आप नीचे बैठ गए चलिए उठिए उठिए ऊपर कुर्सी पर जाकर बैठिए अरे दादी अमीर ससुरारी मिल गए तो हम अपना गांव के संस्कार ना नु भूल सकीला अरे समय के साथ बदलना पड़ता है जमाई बाबू ससुराल और मेहरारू बदल दे बाकी अपना गांव के संस्कार और रिवाज ना बदले अच्छा तो जमाई बाबू हाँ? ये भी बताइए कि बिहार में और क्या क्या रिवाज है यो रिवाज है बड़ बुजुर्ग के खियोला के बाद ही छोट खा ले बचपन से बुढ़ापे तक बहुत से अमीर देखे लेकिन तुम जैसा अमीर दिल वाला कभी नहीं देखा मैंने मार्ग में बोली बदले न तरुवर बदले चाका हे हे बालपण ना केस बदले अरे रोएबू का तू हूँ ना दादी अरे बाप रे ड्यूटी जाए खातिर लेट होता हम जाता नहीं ठीक बा पण लखन ना बदले लाखा तूने ओ सनम तो
बड़ी हर कसम, जीते जीते मर गए हम। तूने सबेरे सबेरे सेडिंग सेडिंग वाला गाना गवाई। अरे तूने ओ सनम, राजू ए पार्टनर, हाय पलंग टूटल कि ना हो? अरे पलंग टूटल रही तो रोमांटिक सॉन्ग ना गई थी यार, है दर्द भरल गीत गौती पार्टनर। हाँ तो हर दर्द के दवा हमरा लगे बा। अच्छा छुट्टी के बाद नू? हाँ बहरी दे हम। अच्छा हाँ ऐसा कवन दवाई बा हो? अरे यार तोनी के ना बोलनी है भाई, तू लोग जा लोग अपना घरे। अच्छा ये सब छोड़ा लोग, देखा ड्यूटियो खत्म हो गया, हम बाहरों आ गए। बाकी तू लोग जवन दवाइया के बात करत रहला ओकर का भाई? जब दारू मेहरबान तब राजू पहलवान, आई एम कमिंग मैन अरकली। आज न जोड़ेंगे तुझे दम दमा दम अनारकली, ए अनारकली। कहा ले जाओ, तूने क्या समझा है मुझे दम दमा दम? ए, खाना दे। खाना नहीं खे बनल। हाँ? ए, जो जाके खाना लेके आओ। खाना नहीं खे बनल, कथी दीरे नतिया? हाँ? का? का? का कॉलिस? अपना भत्तार के नतिया कॉलिस हो? नतिया? तारा की तक? ना, हिरनिये से तोर कपारे फोड़ देता नहीं। रुक, रुक तेरे तो बताओ तेरे। हमरा के नतिया कौन है सरे? नतिया? कौन देश के भिखारी आ गए रे? ये क्या कर रहे? ससुर जी? मेरी बेटी क्यों मार रहे? ना ना, हम कहाँ मारत रहनी है ससुर जी? से भुखाइल बानी बोला तारी पतिया, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे हमारा के करियावत बारी पीट तारी छतिया कहे, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे। अरे शादी जब से कहले बानी सहतानी दुख रे, आज ले हमके मिलल ना अपने बिहारी के सुख रे। शादी जब से कहले बानी सहतानी दुख रे, आज ले हमके मिलल ना अपने बिहारी के सुख रे। हमारा के बहु कहले बाड़ी मरले बाड़ी मोतिया कोही, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे काथी धीरे नतिया, खाना नहीं बनल बारे। जब हम आई घरवा में पहले बेटा करिया तान रे, ऊपर से एकर माई बाबू कहले बापर सान रे, बुझाते नहीं है का करे
जब हम आई खरवा में तहले बेटा दरिया तान रे ऊपर से एकर माई बाबू कहले बापर शान रे दिनवा तो बीत चला कसहू अटे नाही रतिया कहे खाना नाही बनल बारे साची दिने नतिया खाना नाही बनल बारे साची दिने नतिया खाना नाही बनल बारे अरे भाई ऐसे हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे ने तो एक दिन ऐसा आवेगा कि हमारे सारे गुजराती बहन बेटियों के हस्बैंड ना यूपी बिहार के लोग होंगे। मोटा भाई कुछ तो करना पड़ेगा ने, जिसके डर से ये भैये पगड़ी बनने के बजाय जूता का पोछा बने। अरे भाई पनुस ने ऐसे सिचुएशन पर खड़ा कर दिया है नी कि दूसरा कोई उपाय न थी। अरे उपाय न थी तो क्या हम यूं ही 9 दिन बैठ के उसके जाने का इंतजार करें? खेल खेलना पड़ेगा भाई, राजनीति का खेल। इनके खेल भी खत्म हो जाए और खिलाड़ी का भी पता ना चले। प्रीति शू करे छे तू? आज करवा चौथ का व्रत है, राजू के लिए व्रत नहीं रखोगी क्या? व्रत? इन्हें लंबी उम्र माटे नहीं, मरने के लिए होता नहीं तो जरूर रखती। अरे नहीं, कौनो बात ना दादी, इतिहास में ऐसा पहलका बेर हुई कि कौनो भोजपुरिया मरद अपना मेहरारू खातिर करवा चौथ के व्रत रखी। ई अमराला मरे खातिर व्रत रखल चाहता रही, बाकी हम इनके जिए ला व्रत रखब। ऑल द बेस्ट। राजू तू दिल का राजा है, कृष्णा तारी बद्धीज मनोकामना पूर्ण करे। जी दादी, चलो तन देर होता, प्रणाम। पनिया देता हो? ला भैया तोरे से शुरुआत। हाँ। ना भाई, आज हम करवा चौथ के व्रत रख ले बनी। बात तू दूसरा का मत बताई हो, ना तो लोग तेरा का मेहर मुंडा कर। सुना लोग, दुनिया तो उन्हीं के भौजाई से बढ़ने के, हौसला पार्टनर सब। बाकी जौना दिन हमारा दिल के बात तोहनी सबके दिल तक पहुंची ना, ओ दिन तोहनी के मुंह से हंसी ना, आंख से आंसू निकली। पार्टनर भले तू भौजाई खातिर व्रत रख ले बड़ा, लेकिन हमने सब तोहरा खातिर व्रत रखम जा। हाँ। ताकि तोहार मनोकामना पूरा हो जाए। एकदम जान रे भैया, हंसी मजाक तो अपना जगह पर है भैया, जे दिन भी आंसू बहावे के नौबत आएगा ना, हमने सब अपना खून बहा देंगे। बिल्कुल सही बात छे। अच्छा एक मिनट। हाँ, सही बात। जब हमारा दोस्त नहीं खाएगा तो हम सब लोग नहीं खाएंगे। अरे बाकी पर ना 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 कोई नहीं खाएगा। रास्ता छोड़, ई घर हमार है। अरे तो हमहू तो बर तोहरे हई। हमरा से ना तो हमरे बाप से तो डर। आय हाय हाय हाय, अगर तारा बाप से डरती तो तारा बापे के घरे सुहागरात मनावे थोड़ी ना आती। ए हमार नारकली, देखो सवेरे से व्रत रखले बानी, बहुत जोर से भूख और प्यास लागल बा, चला फटाफट अपना हाथ से कुछ खिया द ताकि हमार व्रत पूरा हो जाए। अच्छा हाँ। रुका लेके आवता नहीं। हाँ। लगता मान जाई। का हो? देखते ही डर गेलो? वाह भोजपुरी पति। मर्द बानी मर्द, बुझलू
खिया। अच्छा तो खा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमार व्रत पूरा हो गए। अब तो बर्दाश्त की हद हो चुकी है, मेरी बात मानो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और इस बिहारी से कैसे पीछा छुड़ाना है वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। इस आली साहिबा अकेला में कौनो खेला करे तो ना लेके आल बिया। अरे एने के ने राजू जी, मैं अपने खानदान की पूरी विरासत दिखाने लाई हूँ आपको। अच्छा तई मतलब इकुल अपने बा? जी हाँ। अरे वाह। चलिए चलिए हाँ। दिखाती हूँ। वाह का बात बा साली साहिबा, जाना था नहीं आज भी हमारा गांव में ना पुरान लकड़ी और बांस के घर बनल बा, तो हम सोचा था नहीं कि ऐजा से 15-20 ट्रक लकड़ी अपना गांव में भेजवा दे। यू आर सो फनी, हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। हां वो तो हम बानी। हां आइए चलते हैं। चल। आइए। सुबह से निकली है पर अभी तक आई क्यों नहीं, टाइम भी कितना हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक की तो जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हो तुम, दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, नीच गरीब मानस। नहीं मामा, गरीब नीच नहीं होते बल्कि पर्वत की तरह ऊंचे होते हैं। इनको मत मारिए माँ, इन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की बल्कि कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की मामा।
अगर ये वहाँ पे फरिश्ता बन के नहीं आते तो आज यहाँ मैं नहीं होती, मेरी लाश यहाँ होती। मम्मा, मैं राजू को मारने के लिए वहाँ से मैंने उसे धक्का देके नीचे भी गिरा दिया और मैं घर वापस लौटी रही थी। राजू की एंट्री भले ही लेट होती है पर सबसे ग्रेट होती है। हम जिंदगी जीते हैं शान से, इसलिए सभी दुश्मन जलते हैं हमारे नाम से। हीरो, चुपचाप चल जो यहां से, ना तो जाइबे अपन प्राण से। पांडे जी जी तो भगवान का रूप है मम्मा। दुनिया में लोग जमाई को अपने बेटे के रूप में मानते हैं। मैंने अपने ही घर में तुम्हें हमेशा नजरों से गिरा के रखा। मेरे इस पाप के लिए भगवान मने नरक में पण जगह नहीं आपसे। एक बार आप अपने पैर छूने दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ बेटा। हाँ।
नहीं माँ, सास तो माँ समान होती। मुझे अब बेटे का फर्ज निभाने दीजिए। स्वाभिमान भुलाइल रहनी, संस्कार ना, राउर अच्छाई, हमार बुराई के भुला देहलस, हमेशा पतिव्रता पत्नी जैसन फर्ज निभाई। पतिव्रता पत्नी के का फर्ज होला जाने लू। I'm not afraid.
नौ दिन में जवन भी ठिठोली कई नहीं या चोक बात बोलनी जौना से राउर लोग के दिल दुखल होके ओकरा खातिर हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं। साली साहिबा काहे रोवत आरू, अरे तोके हमरो से बढ़िया बर मिली। हाँ और पता बा हमरा के बहुत मिस करबू तू, बाकी रोवा मत। दिल में तेरी चाहत, लबों पे तेरा नाम है। तू मोहब्बत करे या ना करे, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम है। सुना है तुम्हारे बिहार में पैर छूने पे पैसा या तोहफा देते, तुम घर जा, तोहफा पहुंच जाएगा। तोहफा के इंतजार रही ससुर जी। आज हम बहुत खुश बनी। आप मुझे बताइए, आपको बेटी चाहिए या बेटा? हमरा तो लक्ष्मी चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनो। मेरी जड़े जा। ए भाई, तोपा घर लेके जाते हैं। तोपा वापस करने से ने उसका अपमान होता है। तुम लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है ने, इसके बदले हर रोज एक तोहफा मिलना चाहिए। शेर को छेड़े होते तो शायद बच भी जाते, लेकिन भोजपुरिया को छेड़े हो। हम भोजपुरिया एक के बदले 10 को मारते हैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब आर चाहे पार हो के रहतबा, हमर दोस्त के खून के बदला हम लोग लेके रह भाई। तमें बड़ा कुत्रा छो। हम हाथी, हाथी ये तुम लोग के बोकने से ना हमारा तरीका बदलने वाला है ने तेवर। और ज्यादा भोकोगे ने और गलती से हमने एक टांग उठा दिया ना, तो तुम लोग चींटी के जैसा मसले जाओगे। जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी तुड़वा सकती है। इतने लाशें गिराऊंगा कि अर्थियां ज्यादा होगी और उन अर्थियों को उठाने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। नहीं, ए जी सुनिए ना,
उठे ना, क्या हुआ आपको? आप तो बिना बिना खिलाए मुझे खाते नहीं थे, बिना मुझे सुलाए कभी सोते नहीं थे। आज क्या हुआ आपको? आप बिना खिलाए कैसे सो गए? आज क्या हो गया आपको? उठिए ना, क्या हुआ? उठिए ना। नहीं उठेगा वो, मरवा दिया मैंने उसको। ए! बुझा दिया आपने अपनी नफरत की प्यास, विधवा बना दिया मुझे, और मेरा बच्चा, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अनाथ बना दिया आपने। और भैया तुम, मैंने तो तुम्हें हर साल राखी बांधी है। एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, और आपने जिस हाथ पे राखी बंधवाई उसी हाथ से मेरा सिंदूर पोंछ दिया भैया आपने। जो प्यार, जो खुशी आपके इस महल में मुझे नहीं मिली, वो प्यार, वो खुशी मुझे मेरे पति के साथ उनके ईमानदारी से कमाए हुए झोपड़े में मिली। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है आप सबको कि औरत मजबूर है, कमजोर है? नहीं, औरत ना तो मजबूर है ना तो कमजोर है, औरत से ही सारी दुनिया है, याद रखना। और ये मेरा पति है, मेरा, मैं ही लेके जाऊंगी अपने पति को, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। नफरत ने मार गिराया, लेकिन पश्चाताप ने दामाद को कंधे पर बिठाया। दुनिया की नजर में बड़ा आदमी कहलवा कर खुद में बहुत गुरूर था, लेकिन बेटी की नजरों में गिर कर चकना चूर होकर बिखर गया हूं। मन्ने माफ कर दे बहन, तेरे आंसू और दर्द ने मुझे लोगों के आंसू और दर्द का एहसास दिला दिया। मैं वादा करता हूं कि अपने जीजा के चिता के साथ अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर दूंगा। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना दादी? अगर समझ आ गया है तो समय को लौटा दे, नहीं तो जिंदगी भर पछता इस डिग्री, क्योंकि सच्चे लोग और सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है।
मुश्किल बातें जहरी जुदाई, अब कैसे मैं सूस कराई। दिल में प्यार के आस जगा के चल गई यूं दर्द बढ़ा के, उनके वियोग में दिलवा दिन रात रोता है तोता तोता दर्द बड़ा होता तोता तोता दर्द बड़ा होता। जब से हमके रोग बलागल, मन से चैन दूर बभागल, उनके बिना हम रह ना पाए, प्रीत पिरा अब सह ना पाए। ऐसे तड़पिने जैसे पंछी बिन कोर्ट में फैसला छे, जिसकी औकात मेरे नौकर बनने की नहीं थी वो मेरा जमाई बन बैठा, जिसकी औकात मेरा जूता पोछने की थी वो मेरे सर की पगड़ी बन बैठा। आग लगा दो ऐसी पगड़ी को। उस आग में आपके अपने ही जलेंगे पापा। हाँ, उस पगड़ी को 12 हाथ की साड़ी समझकर मैंने अपने दामन को अब ढक लिया है, और वो पगड़ी पगड़ी नहीं आपकी इज्जत होगी। जो वो चाह रहा था वो हो ना सका, और जो तू चाह रही है ने, वो हम होने नहीं देंगे। छोड़ दीजिए पापा, चल अंदर जा। पापा प्लीज, पापा छोड़ दे, ये माओ करो छोड़। जब तक मैं केस जीत के कोर्ट का दरवाजा पार नहीं करूं ने, ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। और अगर किसी ने उस दो कोड़ी के आदमी के लिए चौखट लांगी ने, दरवाजा खोलिए पापा, तो मैं घर का हर मर्यादा तोड़ दूंगा। हेलो, पप्पू बिहारी बोल रहे हैं। लौंडा कंपनी से निकल गया है। लेकिन कोर्ट पहुंचना नहीं चाहिए। लौंडा कोर्ट नहीं शमशान पहुंचेगा। अरे कंपनी छोड़ के तोनी रोड पे मजदूरी करे लगले का? रोड का मजबूती नाप रहल बानी कि तोहरा के मार दी या फिर जिंदा गाड़ दी। मेहरारू खातिर पहल का रात और दुश्मन खातिर पहल का लात से ही मर्द के मजबूती पता चल जाना। रास्ता छोड़। हे!
ऑर्डर, केस की सुनवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जब मुजरिम ही नहीं तो फैसला कैसे सुनाएंगे? इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं। मेरे मुवक्किल बस आते ही होंगे। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है किसी को ऊपर जाने की इतनी जल्दी है। मत रो किस आग को, इसी आग में जला दूंगा तेरे ही जमीन पर, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तुझे रोकने और ठोकने ही आया हूं। मिलॉर्ड, अब हम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अमीरों को फांसना और उनसे पैसे ऐंठना, और जब खुद फंस जाते हैं तो भाग जाते हैं। वो भी भाग गया होगा। आप फैसला सुनाइए मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत अपना फैसला अपने वक्त के हिसाब से सुनाती है, ना कि इनके ख्वाहिश से। जरा वक्त का इंतजार करिए, अभी भी 10 मिनट बाकी है।
सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि यह केस ही फर्जी है, इसलिए अदालत इस केस को ओपन एंड शट घोषित करती है। रुक जाइए साहब। जज साहब ये केस फर्जी हो सकेला, आंसू फर्जी हो सकेला, बाकी केहू खातिर बहरा ली खून फर्जी ना हो सकेला। हम एगो गरीब मजदूर
पसीना चुआ के पेट पाले वाला इंसान, आज आज पसीना के जगह खून बहावे के पड़ल। गरीब खातिर ईमानदारी और इज्जत ही होकर सबसे बड़ दौलत होला, बाकी हमरा खातिर, हमरा खातिर हमर सबसे बड़ दौलत ई नेता के बेटी रहे। जे जे हमरा के प्यार के रास्ता पर ऐसा चले के सिखा देलस, जेकरा बिना जियल त दूर, सांसों लिहल भी मुश्किल हो गई। हमरा माई के अनाथ बता के मंदिर में साथ फेरा लेलस, और हमरा हाथ से अपना मांग में सिंदूर भरवा के हमरा हमरा साथे जिंदगी भर साथ देवे खातिर कसम खैलस। बाकी बाकी हमर साथ देवे के बदले अपन बदला के भूख मिटावे खातिर पति पत्नी के रिश्ता के जला के वो अपना बाप के साथे चल गई। और तब जाके हमें केस कहनी। जज साहब, का एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार करे के हक नहीं खे? एगो गरीब के अमीर के बेटी से प्यार के गुनाह? अरे दुनिया के कोनो भी कानून के पन्ना में, कोनो भी कानून के धारा में कहीं लिखल बा कि एगो गरीब अमीर के बेटी से प्यार नहीं कर सकत? जज साहब, रहो हमार पिता समान बानी, अब रहुआ जवन भी फैसला सुनाई हम माने खातिर तैयार बानी। मिलॉर्ड, अदालत जज्बातों पे नहीं, सबूत और गवाहों पे चलती है। अगर कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, मेरे मुवक्किल मौत से लड़कर इस अदालत तक पहुंचे हैं, और इनके शरीर से यह बहता हुआ खून, क्या इससे भी कोई ठोस सबूत हो सकता है क्या? मिलॉर्ड, ये गरीब होते ही नौटंकीबाज हैं। चंद पैसों के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं और 1500-2000 के मोबाइल में फिल्में भरवाकर रात भर फिल्में देखते हैं, और सोने के बाद सपने में भी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। दीवार से सर टकराकर फोड़ लिया होगा और फिल्मी अंदाज में नौटंकी कर रहा है। मिलॉर्ड, पूछिए इससे कोई है सबूत? है कोई सबूत? ना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि राजू ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है, इसलिए अदालत राजू को झूठा करार कर दिग्विजय सिंह जडेजा के पक्ष में फैसला सुनाती है। जैसा एक मिनट, आप कौन? मैं दिग्विजय सिंह की बेटी और राजू की पत्नी। मैं अदालत से कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। साहब, सच में इनका साथ साथ फेरा लेके पति पत्नी के बंधन के रिश्ता में हमने बंधाइल रहनी। उस समय ये रिश्ता के मोल समझ में ना आइल रहे, लेकिन अब ये रिश्ता का महत्व समझ में आ गइल बा, प्यार के मोल पता चल गइल बा। अब हम इनके साथ रहल चाहता नहीं, लेकिन
पैसा के दम पर अगर हमार बाबूजी ये केस जीत भी जाई है तो इनसे हारल रहब हमेशा, जैसा रउआ से दोनों हाथ जोड़ के बिनती बा, सारी खुशी इनके ला और हर गम हर सजा हमरे नाम कर दी। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार होगा कि फैसला सुनाने के बाद फैसला बदल कर फिर से फैसला सुनाना पड़ेगा। प्रीति जडेजा की बातों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रीति जडेजा और राजू दोनों अपनी शादी के अटूट बंधन में रहेंगे। और हां, दिग्विजय सिंह जडेजा जी अगर कोई भी दबाव या हमला करते हैं तो दोषी पाए जाने पर अदालत उन पर कानूनी कार्यवाही करेगी। केस क्लोज। गुजरात न्यायालय प्रीति और राजू के रिश्ता के मंजूरी तो दे दलस, लेकिन जैसन की रउआ सब देख चुकल बानी कि जडेजा कितना हठी इंसान बड़न, लेकिन ये कहावत भी रउआ सब सुनले हो कब कि हर माँ बाप दुनिया से तो जीत सकेला पर अपना औलाद के सामने हार जाला। यहाँ भी जडेजा के अपना बेटी प्रीति के प्यार के सामने आखिर में झुके के ही पड़ल। रहिया चले लुता गम के जान कहिले कसम से आगो बात एगो तोहरा से जाने ब्यूटी पार्लर चलावे लुकरानी लगे चेहरा चमके न रहे या फिर उलझी जाओ। पांडे जी का बेटा हूँ चुमा चिपक के लेता हूँ। अरे पांडे जी का बेटा हूँ चुमा चिपक के लेता हूँ। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस।